को ये मैं समझाऊँ। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा एकाएक प्रणाम। कल हम लोग गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे। श्री व्यास पूजा के उपलक्ष्य में हमने श्री वेदव्यास जी की महिमा सुनी। गुरु तत्व के विषय में भी हमने बहुत कुछ श्रवण किया। कल जो हम श्रवण कर रहे थे विशेष करके श्री व्यास देव जी का जीवन चरित्र, किस प्रकार व्यास पूजा जो गुरु पूर्णिमा गई थी अभी, उस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और व्यास का अर्थ हमने श्रवण किया था विस्तार की थी, व्यास जो विस्तार करे अर्थात व्यास ने जीने किस प्रकार भगवान की प्रेरणा से सारे ग्रंथों का विभाजन किया। उन्होंने पहले एक वेद था, एक वेद से चार विभाग किए, उसके बाद में सारे उपनिषद पुराण वेदांत सूत्र महाभारत इत्यादि इत्यादि अनेक ग्रंथों की रचना करी। इन सभी ग्रंथों की रचना करने के बाद भी जब उनको शांति नहीं मिली थी, उस समय पर किस प्रकार नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने उनको उनके असंतुष्ट होने का कारण बताया और उसके बाद में वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना करी, जिसके माध्यम से उन्हें पूर्ण शांति प्राप्त हुई, उनके हृदय को शांति प्राप्त हुई। तो यहाँ पर एक बात जो विशेष श्रवण करने की हमारे लिए है कि वेदव्यास जी को जो ये असंतुष्टता हो रही है वो उनके हृदय में जो खेद है ये लीला मात्र है, क्योंकि वेदव्यास जी ने बताया वे व्यास नारायण स्वयं। हम श्रवण कर रहे थे ना वेदव्यास जी भगवान की शक्ति के अवतार हैं, तो भगवान को कभी भी इस तरह का मोह या संदेह या असंतुष्टि नहीं हो सकती। वे एकमात्र अभिनय करके दिखा रहे हैं। जिस प्रकार अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में मोह उत्पन्न हुआ, तो क्या वो अर्जुन का सचमुच मोह है? वो एकमात्र उनका अभिनय है, इसलिए जगत जीवों के सामने जगत जीवों के कल्याण के लिए गीता को प्रकाशित करने के लिए। उसी प्रकार वेदव्यास जी को जो ये असंतुष्टि हुई है, अतृप्ति का अनुभव हो रहा था उनके हृदय में जो खेद था, ये एकमात्र उनकी लीला थी जिसके माध्यम से भागवतम प्रकाशित होगा। तो दूसरी बात यहाँ पर एक और श्रवण करने की है कि वेदव्यास जी ने अब तक जो ग्रंथ की रचना करी थी तो उसके अंदर केवल मात्र काम, केवल मात्र धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार चीज़ों के विषय में वर्णन किया था, और ये चीज़ें कभी भी एक जीव को संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती। इसीलिए पंचम पुरुषार्थ की भक्ति अर्थात कृष्ण प्रेम के विषय में जब उन्होंने सृष्टि रूप में श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया, तब उसके बाद में उनको पूर्ण रूप में शांति मिली। इसलिए बता रहे श्रीमद् भागवतम के मंगलाचरण में क्या बताया, धर्म प्रोचित कैतव अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा भरेश्वर सद्यो हृदय अवृद्धते अत्र पृथ्वी सुश्रुषुभि तत्क्षणात्। ये श्रीमद् भागवतम ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर पूर्ण रूप से कैतव धर्म, कैतव अर्थात कपटता, कपटता किसे बताया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसको बताया कपटता। किस प्रकार धर्म याचन करें, किस प्रकार अपनी इच्छाओं को पूर्ण किया जाए, किस प्रकार मुक्ति अर्थात मुक्ति को भी, जिसे बड़े बड़े ज्ञानी योगी इसको प्राप्त करने के लिए करोड़ों करोड़ सालों तक तपस्या करते हैं, उस मुक्ति को भी बताया, वो भी कैतव है, कपटता है। श्री कविराज गोस्वामी जी कहते हैं तार मध्य मोक्ष वाचा कैतव प्रधान, अर्थात सबसे बड़ी कपटता तो मोक्ष को ही बताया है। क्यों? क्योंकि धर्म अर्थ काम इत्यादि इनके अलावा भी क्या है, शारीरिक भरण पोषण हो रहा है, किस प्रकार इस संसार में आवागमन है, तो किसी जीव के पक्ष में ये संभव है कि वो वापस जैसे उन्होंने किसी जैसे उदाहरण के तौर पर है कि शास्त्रों में बताया है यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग करने पर जब एक जीव स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग में सुख वैभव भोग करेगा और उसके बाद में क्षीण पुण्य मर्त्य लोक प्रशांति पुनः इस धाराधाम पर आना पड़ेगा। तो साधु संघ के प्रभाव से ऐसे चांस है कि कभी वो भगवत भजन में आ जाए, लेकिन मोक्ष, मोक्ष को बताया कैतव प्रधान। क्यों? क्योंकि यदि एक जीव ब्रह्म के साथ में लीन हो जाए, मोक्ष अर्थात जो लोग मुक्ति प्राप्त चाहते हैं, मुक्ति मतलब यहाँ पर वैकुंठ की मुक्ति नहीं, जो लोग मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान एक ज्योति स्वरूप है,
और हमें भी उस ज्योति में जाके लीन हो जाना है। और इस संसार में बड़े दुख कष्ट है, हम इस दुख कष्ट में रहना नहीं चाहते, तो क्या करते हैं, ये जीवात्मा परमात्मा के साथ में मिल जाएगा। जिनकी ऐसी धारणा है, जो ऐसी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो उस मुक्ति को बताया वो सर्वश्रेष्ठ पकड़ता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान सेवा की कोई वासना ही नहीं है। एक जीव मुक्ति पाने की चेष्टा क्यों कर रहा है, क्योंकि इस संसार में बड़े दुख कष्ट है, भगवान के साथ में जाके लीन हो जाएंगे तो वहां पर कोई दुख कष्ट नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा का क्या, जीव का स्वरूप बताया जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो दास का कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना, तो इसलिए वो चीज नहीं, सेवा का अभाव होने के कारण ही बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तीनों कभी भी, ये चारों कभी भी जीव को संतोष प्रदान नहीं कर सकते, एकमात्र कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति ही जीव को संतोष प्रदान कर सकता है, आनंद प्रदान कर सकता है। तो नारद व्यास का जो संवाद था उससे एक तो ये शिक्षा प्रदान करी, दूसरी बात हमने श्रवण किया था किस प्रकार गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन हम हमारे गुरुवर्गों की भी पूजा करते हैं। साधारणतः देखा जाता है कि गुरुवर्ग उस पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, पूजा स्वीकार कर रहे हैं, किस प्रकार हम आते हैं गुरुदेव के चरणों में पुष्प देते हैं, कुछ माला मिर्च मिठाई वस्त्र इत्यादि हम गुरुदेव को अर्पण करते हैं, तो ऐसा देखने में लगता है कि गुरुदेव वो पूजा स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान कहते हैं कि व्यास पूजा के दिन प्रत्येक जीव अपने गुरु की पूजा करता है, अर्थात ऐसा यदि देखा जाता है यद्यपि कि गुरुदेव पूजा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपने शिष्यों से उस पूजा को ग्रहण करके और अपने गुरुवर्गों की पूजा कर रहे हैं। जैसे होता है ना, हमने कितनी बार कथा में श्रवण किया है व्यास पूजा के दिन जो पंचक होते हैं, व्यास पंचक हुआ, गुरु परंपरा हुई, एक गुरु स्वयं अपनी पूरी गुरु परंपरा की पूजा करता है, तो उस दिन कोई भी गुरु पूजा ग्रहण नहीं करता, वो पूजा के सामग्री को ग्रहण करके वो अपने गुरुदेव की पूजा कर रहा है, इसलिए ये विशेष गुरु पूर्णिमा, इसलिए इसका नाम गुरु पूर्णिमा बताया गया है। और कौन लोग गुरु की पूजा कर सकते हैं, गुरु पूर्णिमा कर जो गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए, गुरुदेव की पूजा करने के लिए, व्यास पूजा मनाने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कुछ योग्यता तो चाहिए ना, जैसे हम किसी एंट्रेंस कुछ किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस पेपर देना पड़ता है, एंट्रेंस पेपर पास किया तो आपको भर्ती होगी, तो ऐसे वो क्या है, वो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है। ऐसे ही गुरु पूजा करने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए, हर कोई गुरु पूजा करने का योग्य नहीं हो सकता। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, उन्होंने श्री चैतन्य भागवत की टीका में लिखा है कि व्यास पूजा का एक और मतलब है पाद्य अर्पण, पाद्य अर्पण मतलब समर्पण शरणागति, समर्पण शरणागति अर्थात गुरु के चरणों में जब तक कोई जीव शरणागत नहीं होगा तब तक वो व्यास पूजा नहीं मना सकता, है ना। शरणागति से कहने मात्र से गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके वो शरणागति नहीं, शरणागति कितने प्रकार की बताइए, छह प्रकार की शरणागति हम श्रवण करते हैं ना, अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य विवर्जनम लक्षिष्यति इति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम तथा और आत्मनिक्षेप तार्पण्य षड्वित शरणागति जो हम लोग श्रवण करते हैं ना, षडंग शरणागति हई दे जहार तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। जो लोग शरणागत होते हैं, जो भगवान के प्रति शरणागत, तो देखो हमारी बहुत बाद में होगी, हमने कभी भगवान को तो देखा नहीं, यहाँ पर और किसी ने देखा हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो कभी भगवान के दर्शन किए नहीं। भगवान का श्री विग्रह भी दर्शन करते हैं तो उसमें भी जड़ बुद्धि से ही दर्शन करते हैं, लेकिन गुरुदेव का यत्न से हम किसी प्रकार से दर्शन करते हैं, और एकमात्र गुरुदेव ही है जो हमें भगवान को जनाते हैं, इसलिए एक जीव पहले गुरुदेव के ही शरणागत होगा, गुरुदेव के शरणागत होने के बाद ही कभी वो जाकर भगवान के शरणागत हो पाएगा, या फिर ऐसा कह दें कि गुरुदेव ही एक जीव को लेकर भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इसलिए बताया है कि कौन व्यास पूजा ठीक ठीक रूप में मना पाएगा, जो गुरुदेव के शरणागत है। शरणागत मतलब जैसे एक दास का दास, एक नौकर मालिक के शरणागत होता है, जैसे जैसा मालिक चाहते हैं वैसा वैसा ही नौकर करता है, है ना। कल भी हम श्रवण कर रहे थे कि गुरुदेव हमसे चाहते क्या है, व्यास पूजा का ठीक ठीक अर्थ क्या हुआ कि यदि हम शरणागत हो गए अर्थात गुरुदेव हमसे जैसा चाहते हैं अगर हम वैसा कर पाए तो हमारी ठीक ठीक रूप में व्यास पूजा संपन्न होगी, है ना। तो इसलिए हम कल भी विस्तृत रूप में इस बारे में श्रवण कर चुके हैं किस प्रकार व्यास पूजा मनानी होगी, गुरुदेव जो हमसे चाहते हैं अर्थात हमारा भजन, दो विशेष कार्य का हमने श्रवण के लिए किए थे, क्या, एक तो निज आचरण खुद का भजन खुद से करना होगा और बाद में प्रचार, भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होले जा
जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो पहले तुम उसका जन्म सार्थक करो। उसका जन्म किस प्रकार सार्थक होगा? भगवान का भजन करने से। भगवान का भजन जब तक नहीं करोगे तब तक जीवन सार्थक नहीं है, जीवन व्यर्थ है। और दूसरी है कर परोपकार। परोपकार कैसे होगा? परोपकार होगा जीव को भगवान के भजन में लगाने से। यदि एक जीव को 84 लाख किलोमीटर में भटकते भटकते कोई सौभाग्यवान जीव यदि भगवान का चरणाश्रय ले ले, सद्गुरु का चरणाश्रय लेते हुए भगवान का भजन करे, तब ही अपना जीव जन्म सार्थक कर सकता है। इसलिए बता रहे हैं ये है योग्यता। शरणागति की योग्यता है गुरु पूजा करने की। और गुरु की सेवा किस प्रकार करेंगे बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणेन च संगेन साधु भक्ताना ईश्वर आराधनेन च। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है काय मन वाक्य इन सभी से गुरुदेव के शरणागत होके और सेवोन्मुख वृत्ति से, अर्थात हमारे पास जो कुछ भी है हमको हम गुरुदेव को जैसे बताते हैं ना, यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए हमारे कहाँ प्रकाश। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि गुरुदेव को भगवान से अभिन्न जानो। कृष्ण कहते हैं उद्धव को कि आचार्य माम विजानिया, हे उद्धव गुरु को मेरा ही स्वरूप मानो। मैं ही जब भगवान की कृपा, जब भगवान किसी जीव पर विशेष रूप में कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, उसको गुरुदेव से मिला देते हैं, सदगुरु रूप में सदगुरु से उसे मिला देते हैं। तो सदगुरु भगवान का ही प्रतिनिधि है या फिर कह रहे हो साक्षात भगवान स्वरूप ही है ना। अभी यदि सदगुरु भगवान ही है, गुरुदेव यदि भगवान का ही स्वरूप है, तो भगवान का किसी के पास, भगवान के पास किसी चीज का अभाव है? भगवान कौन है? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, तो उनके पास तो किसी चीज का अभाव है नहीं। तो क्या हम वस्त्र फूल मिठाई इत्यादि देकर, कुछ प्रणामी देकर गुरुदेव को संतुष्ट कर सकते हैं? तो फिर जब प्रहलाद महाराज ये चीज कह रहे हैं कि सर्वलब्धा अर्पणेन च, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब केवल धन देकर ही गुरुदेव की सेवा नहीं होगी। धन तो ये जड़ धन, इस जड़ी वस्तु को देकर कभी भी गुरुदेव संतुष्ट नहीं होंगे। क्या किस तरह से हम लोग को गुरुदेव की सेवा करनी पड़ेगी? तब कह रहे हैं सर्वलब्धा अर्पणेन च, अर्थात काय मन वाक्य। हम जो भी बोल रहे हैं हमारे शरीर से और हमारी बुद्धि से, तीनों को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके, अर्थात हमारी जो भी सोच होगी क्या गुरुदेव के विचारों के अनुकूल, सब चीज़ें जैसा गुरुदेव हमसे चाहते हैं गुरुदेव के विचारों के अनुकूल ही हमारी काय मन वाक्य गति रहेंगे, तो हम व्यास पूजा संपन्न कर पाएंगे, तो हम गुरुदेव की सेवा कर पाएंगे। और दूसरी बात बताई है सेवोन्मुख। सेवोन्मुख अर्थात हम लोग को सेवा करनी पड़ेगी, हम लोग को सेवा करनी पड़ेगी। जैसे बताया ना अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्रायम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवातो स्वयं स्मृत। कोई भी बोलते हैं कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, किस प्रकार भजन कर रहे हैं? 24 घंटे माला लेकर बैठे रहते हैं, 24 घंटे हरे कृष्ण हाथ में माला है, मुख से भगवान का नाम चलता है, लेकिन मन कहाँ है उसका ठीक नहीं। तो यहाँ पर बता रहे हैं केवल मुख से हरिनाम करने से नहीं होगा, हरिनाम करने की वस्तु नहीं है, हरिनाम स्वयं स्फुरित होता है, हरिनाम स्वयं स्फुरित होगा। इसलिए कह रहे हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्य इंद्रिय, इस इंद्रियों द्वारा करने वाला ये हरिनाम है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? सेवन मुख ही विवाद कि यदि आपकी इंद्रियां, यदि आपका हृदय सेवोन्मुख हो गया है, अर्थात सेवा करने की प्रवृत्ति यदि हृदय में आ गई है, तब जाकर क्या होगा, ये हृदय से भगवान का नाम स्वयं स्फुरित होगा। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि काय मन वाक्य से शरणागति और सेवोन्मुख वृत्ति, यदि ये दो चीज़ें हमने किसी जीवन में अपना ली, अडॉप्ट कर ली, तो फिर हम ठीक ठीक रूप में व्यास पूजा संपन्न हो पाएगी, तो हम किसी जीवन में जो असल व्यास पूजा है वो कर पाएंगे। ये बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुंदर बोलते हैं, क्या करें? बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। प्रसाद बन गया कि हरे कृष्ण प्रसाद प्रसाद बन गया ठाकुर को भोग लग गया है खाना था ना ठाकुर को भोग लगा दिया क्या जब जल्द भोग लगा दो लोग बड़े दूर तक जाएंगे हाँ एक बार हाथ उठा बोले हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे पर अब तो मुझे सुनना
स्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पादपद्म नितलीला अभ्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सत्र श्री 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 माधुवती वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूं। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूं। हरे कृष्ण। आज एक बहुत बड़ा संत का आज तिरोभाव। तिरोभाव मतलब है आज का दिन में उन्होंने प्रभु की नित्य सेवा के लिए ये संसार को छोड़ करके ठाकुर जी की नित्य सेवा में चले गए। एक उनका नाम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। कहते ये गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है कि जैसे भगवान राम जब इस जगत में आए वो अकेले नहीं आए, पूरा धाम अपना परिवारों को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता हनुमंत लाल ये सब के सब आए। भगवान कृष्ण जब आए तो क्या अकेले आए? वो भी अकेले नहीं आए, राधा रानी को साथ में ललिता विश्राम राम को अपना ग्वाल बाल पिता माता ये सब को लेकर के आए। इसलिए भगवान जब इसी जगत में आते ही वो अकेले नहीं आते, बोले सपार सदस्यो धाम सहबले, और वो अपना धाम और अपना भक्तों को लेकर के ही साथ में आते हैं। उसी तरह जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए वो भी अपना भक्तों को लेकर के आए। कहते आज जिनका तिरुभाव शरीर छोड़े थे, कहते ये कृष्ण लीला में कौन थे? बोले ये अनंग मंजरी। ये अनंग मंजरी कौन है? बोले श्री राधा रानी की छोटी बहन। आप यहाँ पर गोपीनाथ मंदिर कौन कौन देखे? गोपीनाथ मंदिर हाथ उठा सब लोग देखना। देखना राधा रानी की जैसे कृष्ण की बाम साइड में कौन खड़ी है? राधा रानी। लेकिन आप गोपीनाथ मंदिर में देखोगे उनको बाम साइड में राधा रानी नहीं है, कौन है? ये अनंत मंजरी ये राधा रानी की छोटी बहन। बोले क्यों? बोले ये राधा रानी कभी जो अनंत मंजरी ये खूब राधा रानी की सेवा की, कितना राधा रानी की सेवा की। राधा रानी एक दिन खुश हो गए, बोले तो बता क्या चाहती हूँ, तो बहुत सेवा करती हो मेरी और मेरे प्रभु की तुम वर मांगो। बोले जैसे आप भी कृष्ण का बाम तरफ में खड़ी रहती हो, हमें भी कभी कभी अपना सुजोर दे दो, मैं भी कभी बाम तरफ में खड़ी रहूँ। आप देखना अनंग मंजिल राधा रानी की छोटी बहन, देखना कभी कभी दामाद अपना पत्नी से ज़्यादा कभी कभी अपना साली को ज़्यादा प्रेम कर लेते, साली को ज़्यादा प्रेम कर लेते। इसलिए एक प्रकार साली है। इसलिए बोले ठीक है राधा रानी बड़ी दया लो, बोले ठीक है जब कलयुग आएगा ना फिर मैं अपना स्थान तेरे लिए दे दूंगा, तुम मेरे स्थान पर खड़े जाना। इसलिए कहीं भी आप गोपीनाथ मंदिर देखोगे राधा रानी को आप बाम तरफ में नहीं देखोगे, राधा रानी को डाण तरफ में देखोगे और बाम तरफ में ये अनंत मंजरी को देखोगे ये खड़ी हो जाएगा। है कृष्ण लीला में ये अनंत मंजरी, तब समझो ये राधा रानी की कृष्ण की कितने प्यारी है। कभी ये भी कभी ये तुलसी मंजरी भी है, ये हैं ये दोनों मिल करके कलयुग में ये गोपाल भट्ट गोस्वामी। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ? बोले दक्षिण देश में। तब यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं, महाप्रभु नवद्वीप में जन्म हुए गंगा किनारा में, लेकिन भक्तों को उन्होंने बहुत कम भक्तों को पास में जन्म दिया, अक्सर करके उन्होंने भक्तों को बड़े बड़े दूर दूर देश में जन्म दिया, बड़े बड़े दूर दूर देश में। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण है जब कोई एक संत किसी स्थान पर जन्म हो जाते हैं, एक संत जन्म होने का इतने महत्व है, बोले ताहर प्रभाव कोटि योजन निष्ठा। एक संत अगर कहीं जन्म हो गया कहते उसको प्रभाव से करोड़ योजन तक वो स्थान पवित्र हो जाता है। जब अपना प्रेममय दृष्टि से वो दर्शन करते हैं उनके नेत्र जितने दूर तक जाए वो स्थान में सारे अमंगल हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना मंगल भवन अमंगल हरि।
जब वो संत हाथ उठा करके नृत्य करते हैं, स्वर्ग का सारे अमंगल खत्म हो जाता है, कहते स्वर्ग में देवता का कल्याण हो जाता है। जब कृष्ण प्रेम में नृत्य करते हैं, उनकी चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। अमोभाग्य है ठाकुर वैष्णव पद अवनी रस संपत्ति, कहते पृथ्वी का असली संपत्ति क्या है, असली संपत्त संत है, असली संपत्त भक्त है। इसलिए एक महाप्रभु का एक भक्त में इतनी शक्ति है, कहते ब्रह्मांड तारी ते शक्ति धरे जन जति, एक एक भक्त विश्व ब्रह्मांड को तार देते हैं। जैसे प्रभुपाद हुए, उनका शिष्य भक्ति भक्ति वेदांत स्वामी महाराज हुए, हमारे गुरु वर्ग हुए, देखो सारा दुनिया में हरि भक्ति को, सारा दुनिया में हरि भक्ति को प्रचार किया, संपूर्ण विश्व में लंदन फ्रांस अमेरिका जर्मनी देखो भी, ये अंग्रेज लोग भी तिलक कंठी माला छोटी प्रकृति वो लोग धोती पहन करके हमारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जोर से बोलो बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए उन्होंने भक्तों को दूर दूर से देश में जन्म दे दिया। बोले क्यों, बोले जहाँ पांडव वर्जित स्थान, जैसे पंच पांडव का नाम जानते हो कौन कौन है, युधिष्ठिर धीर अर्जुन नकुल सहदेव, इन लोगों ने इनका जो बनवास हो गया, बनवास का तात्पर्य किया, ये तो भगवान की भक्त है, फिर उनको 13 साल तो भी भटकना नहीं पड़ा, कारण क्या, बोले कृष्ण की इच्छा है। बोले कृष्ण की क्या इच्छा थी, बोले ये लोग जहाँ जहाँ पर गए, जहाँ पर भी चरण स्पर्श हो गया वो स्थान पवित्र हो गया, लेकिन जहाँ पर गई तो वो स्थान अभद्र हो, तो स्थान धन्य पवित्र नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, अपना अपना भक्तों को जो पांडव वर्जित स्थान, मतलब पांडवों ने जहाँ जहाँ नहीं गया, महाप्रभु क्या है, एक एक संत को वहाँ पर जन्म लेते हैं, जाओ तुम वहाँ जन्म ले लो, तुम वहाँ जन्म ले लो, तुम वहाँ जन्म ले लो। कारण क्या, बोले पांडव लोग नहीं गए, उनका चरण स्पर्श नहीं मिला, इसलिए वो देश का कल्याण नहीं हुआ, मंगल नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने दूर दूर देश में उन्होंने अपना भक्तों का जन्म दिया। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने सन्यास ग्रहण किया, सन्यास ग्रहण करके उन्होंने कभी 6 साल तक तो सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया, करते करते जब उन्होंने दक्षिण देश में गए, वहाँ पर कावेरी नदी में स्नान किया और वहाँ पर श्री रंगन जी का मंदिर में, और महाप्रभु वहाँ पर अपना जब उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया, महाप्रभु देखने में बड़े सुंदर है, लंबे चौड़ी और एकदम राधा रानी की जैसे अंग कांति हैं, बड़े सुंदर। इसलिए महाप्रभु जो ना हाथ उठा करके जब नृत्य करते थे, सारा दुनिया देख करके पागल हो जाता था, और उनके पीछे सबके सब भागते थे, लाख लाख लोग महाप्रभु पीछे, हरि बोल बोले श्री वृंदावन बिहारी करते करते सब महाप्रभु के पीछे भागते थे। महाप्रभु जब श्री रघुनाथ जी को दर्शन किया, इनके रूप को देख करके वहाँ पर एक भक्त जिनका नाम था श्री वेंकट भट्ट, कहते वेंकट भट्ट कौन है, कहते आज जिनका तिरुभाग थे उनको ये पिताजी, कहते वहाँ पर वो 3 भाई थे हैं, कहते एक था श्री प्रभुदानंद सरस्वती जो कृष्ण लीला में ये तुम्ब विद्या से, और इन्होंने एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम है राधा रस सुधा निधि, अपूर्व ग्रंथ दिव्य ग्रंथ है जिसमें श्री राधा रानी की क्या सुंदर सुंदर महिमा है। इसलिए ये त्रिमात्र भेद और वेंकट भट्ट ये 3 भाई थे, इनका एक बेटा था श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, कहते जिनका उम्र था महाप्रभु गए उनका उम्र केवल 11 साल उम्र का था, अभी जब वेंकट भट्ट महाप्रभु को देखा, देखा सन्यासी, जब सन्यासी है सन्यास लोगों के जैसे अभी आश्रम है कोई रसोई नहीं बनाते थे, गृहस्थ को घर में माधुरी लेकर के प्रसाद लेकर के अपना जीविका निर्वाह करते थे, जब इनको रूप को देखा बोले सन्यासी है और गृहस्थ का धर्म किया है, गृहस्थ का धर्म ही साधु संतों की सेवा करनी चाहिए हैं, कहते कहते गृहस्थ हैया अतिथि सेवा नहीं करे पशु पक्षी हई ते अधम लिखा है, कहते जो गृहस्थ व्यक्ति है अगर वो साधु संतों की सेवा नहीं करते हैं
यदि पशु पक्षी से मतलब पशु पक्षी चिड़िया से भी ये दया पिता है। इसलिए नियम है जथा योग्य साधुओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे नहीं जो कमाओ खुद उठाओ खुद खत्म कर दो, नहीं कल्याण कैसे होगा। बताए कम से कम 10% तो साधु सेवा में लगाओ, नहीं तो 1/4 अंसर साधु संतों की सेवा में लगाओ, जिसको द्वारा तुम्हारी सुकृति बने, कुछ भक्ति बने और धीरे धीरे भक्ति भी बढ़ो। इसलिए उन्होंने निमंत्रण दिया और इसी समय था, कभी चातुर्मास चल रहा ना, ये चातुर्मास में ही महाप्रभु वहाँ गए थे, तो उन्होंने अपना घर में बुलाए, वहाँ पर स्थान दिया, महाप्रभु वहीं पर रहे और उनको साथ में खूब कीर्तन हरि कथा में दिन बिताए करते थे। लेकिन जो वेंकट भट्ट गोस्वामी वो थे श्री संप्रदाय के। श्री संप्रदाय मतलब है जिसमें लक्ष्मी नारायण को ये पूजा करते थे, लेकिन महाप्रभु किसको पूजा करते थे, राधा कृष्ण को, राधा कृष्ण को भक्ति करते थे। इसलिए एक समय आपस में हरि चर्चा होते होते महाप्रभु एक दिन उनको प्रश्न कर दिया, उनको प्रश्न था मतलब ये बताओ वेंकट भट्ट, तुम्हारी जो इष्ट देव कौन है, लक्ष्मी नारायण। नारायण कहाँ रहते हैं, ये वैकुंठ में रहते हैं, और इनका सबसे बड़ा भक्त थी माँ लक्ष्मी, और जो वैकुंठ में ऐश्वर्य वहाँ पर ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। लेकिन ये वृंदावन में मेरे जो इष्ट रहते हैं वृंदावन में, वृंदावन में क्या है, पेड़ पौधा लता पता फूल पुष्प हैं पक्षी, और वहाँ पर यमुना नदी बह रही है, ये लता पताओं से भरा हुआ है, और ये सब कृष्ण ग्वाला, और नारायण कौन है, वैकुंठ का नारायण, ये वैकुंठ का राजा, ये लक्ष्मी नारायण ये। लेकिन हमने सुना है तुम्हारी जो इष्ट है, हैं इष्ट श्री नारायण, उनका जो सबसे बड़े भक्त लक्ष्मी, हमने सुना है जो लक्ष्मी वो क्या कर रही है, हमारी जो कृष्ण जो ग्वाला है कृष्ण, कहते इनको पाने के लिए और इनकी रासलीला में प्रवेश करने के लिए इन्होंने बड़ी कठोर तपस्या कर ली। ये तो मेरे प्रभु तो ग्वाला जब गैया को पीछे घूमने वाले गोविंद देव गैया को पीछे पीछे घूमते गैया चराते, जिनका नाम गोपाल है, और वृंदावन में फूल पौधा से, कभी तुम्हारी लक्ष्मी फिर हमारे कृष्ण को पाने के लिए तुम चाह रही है। तो उन्होंने कहा देखो यद्यपि कृष्ण और नारायण है लेकिन ये थोड़ी कोई अलग है, वो अलग नहीं है, हैं वही कृष्ण नारायण, वही नारायण वही कृष्ण है, उसमें थोड़ी कोई भेद है। इसलिए श्री स्वरूप है तो कृष्ण और नारायण में कोई फर्क नहीं, वो की तत्व है। उन्होंने कहा मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ, तो यद्यपि एक तत्व है फिर लक्ष्मी ये कृष्ण को पाने के लिए क्यों तपस्या कर रही है, कृष्ण तो हमारी ग्वाला है, अब तुम बताओ क्यों तपस्या कर रहे हैं। प्रभु तो पक्के पक्के चके रहे थे, बोले ये बात तो मेरे को पता नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा ये बताओ, उन्होंने महाप्रभु से पूछा ये बताओ आपको ये बात कहाँ मिली जो लक्ष्मी कृष्ण को पाने के लिए तपस्या कर रही है। बोले कहाँ मिली, बोले ये भागवत में है। बोले भागवत में ही नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें तो कहीं मिला ही नहीं, ये लक्ष्मी कृष्ण को पाने के लिए तपस्या कर रही है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु फिर 2-3 स्थानों से श्लोक को उठा करके उन्होंने प्रमाण किया, बोले देखो अमुक अमुक स्थान, बोले कहाँ कहाँ पर है, बोले उद्धव जब ब्रज में आए और उन्होंने ब्रजवासियों को प्रेम को देखा, और विशेष करके ब्रज गोपियों को प्रेम देखा, फिर विशेष करके राधा रानी की भक्ति उन्होंने जब देखा, बोले उद्धव का आश्चर्य हो गया, राधा रानी की प्रेम को देख करके आश्चर्य हो गई। इसलिए कहते ना उद्ध शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की प्रेम बोल, ज्ञान बजाई डुगडुग की बाजे प्रेम की ढोल, वहां पर तो उद्धव हैं आश्चर्यचकित हो गई। फिर उन्होंने 5 श्लोकों को द्वारा उन्होंने ब्रजवासियों की महिमा बताई, उसमें एक श्लोक है प्लनायम श्री अंगम नित्यात रते प्रसाद। यहाँ पर कहते हैं जो सौभाग्य लक्ष्मी को ही प्राप्त नहीं हुआ, जो सौभाग्य ये लक्ष्मी को भी जो सौभाग्य नहीं मिला, ये सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ, बोले ये ब्रज गोपियों को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोले कहाँ,
लघुज दंड गृहीत कंठ रास लीला। जब कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी रास लीला करते थे, रास लीला करते करते कृष्ण क्या करते थे, गोपियों के गले में गलबेनिया लगा करके बोले हे ब्रज गोपियाँ तुम लोग रास को परित्याग मत करो, अगर रास छोड़ दोगे तो रसी खत्म हो जाएगी। जैसे एक छोटा बच्चा अगर मैया से कोई चीज प्रार्थना करता है ना, क्या करता है, मैया गले पर हाथ लाकर झूल जाते, बोले मैया मेरे को ये दे दे, मैया मेरे को ये दे दे, मैया दे दे। उसी तरह कृष्ण भी गोपियों को गले में कृष्ण के हाथ कैसे बड़े सुंदर हाथ है, हैं जो हाथ की आशीर्वाद के लिए ब्रह्मा शंकर नारद तरसते हैं, लेकिन वो हाथ को गोपियों के गले में गलबेलियाँ देकर प्रेम की भीख मांग रहे हैं। इसलिए ये सौभाग्य कहते हैं, कहते स्वर्ग में लक्ष्मी को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जो सौभाग्य गोपियों को राधा रानी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, और स्वर्ग में देवियों को भी जिनके शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने नाग पत्नियों ने जो स्तुति किया है, बोले विहाय कामान सुचिर धृतव्रता, लक्ष्मी अपना वैकुंठ छोड़ करके आप लोग वृंदावन गए हो, ब्रज राधा मदन मोहन जी की, आप लोग वृंदावन गए, कौन कौन वृंदावन गए, हाथ उठा कोई हाथ नहीं था, आप लोग बैल बन गए हो, बैल बन कौन गए हाथ उठा, बैल बन कब खा, इसलिए बैल बन में देखना हर जगह पर लक्ष्मी देखोगे सब ऐसे बैठ, हर जगह लक्ष्मी को देखना ऐसे ऐसे बैठती ना, क्योंकि सारा दुनिया लक्ष्मी की कृपा से आती, बताओ लक्ष्मी कौन नहीं जाता, हाथ उठा लक्ष्मी कौन नहीं जाता सब, इसलिए लक्ष्मी की कृपा सबको चाहिए, लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी के ऊपर कुछ होता ही हैं, इसलिए देखना हर जगह पर लक्ष्मी ऐसे करके बैठी सबको आशीर्वाद देती है, लक्ष्मी सबको चाहिए हैं, लेकिन वहाँ जाकर के देखोगे लक्ष्मी को ऐसे नहीं, ऐसे हाथ जोड़ कर वो तपस्या कर रही है, कठोर तपस्या, छोटी मोटी तपस्या नहीं, कठोर तपस्या की, बोले क्यों, बोले कृष्ण को पाने के लिए और कृष्ण को रास में प्रवेश करने के लिए लक्ष्मी को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए लक्ष्मी जब कठोर तपस्या की कृष्ण दर्शन दिए, बोले लक्ष्मी ये बताओ तुम मेरी क्यों इतना कठोर तपस्या कर रहे हो, बोले प्रभु आपके रासों में मैं प्रवेश करके जैसे गोपियों आपके साथ में नृत्य करती, हम भी ऐसे आपके साथ में नाचना चाहती हूँ, रास में प्रवेश करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण बोले देखो कुछ कुछ चीज को तुमको छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, बोले प्रभु बताओ, बोले पहला चीज तो तुम जो वैकुंठ में रहती है ना, ये वैकुंठ का अभिमान तुमको त्याग देना पड़ेगा, फिर नारायण को भी त्याग देना पड़ेगा अगर रास में जाओ, बोले कोई बात नहीं नारायण कृष्ण ने थोड़ी फर्क देखी है, कोई बात नहीं, बोले देखो तुमको किसी गोपी घर में जन्म लेना पड़ेगा, बोले ठीक है जन्म ले लो, बोले और ये काम करना पड़ेगा, बोले क्या, ये गोपियाँ जैसे कंडा थपथपी ना, गोपियाँ क्या कंडा बनाती है ना, कंडा बना दो भी, बोले हाँ ये भी कर दो, बोले गोपियाँ जैसे दधी मंथन करती हैं ये कर लोगे, बोले हाँ ये भी मैं कर लूँगी, ये भी मैं कर लूँगी, लेकिन बोले और ये काम करना पड़ेगा, बोले तुम्हारी जो शादी है ना वो मेरे से नहीं होगी, किसी दूसरे गोप से शादी होगा, वो जैसे मेरे को छूम छूम करके प्रेम करती हैं ऐसे परज्ञा रूप में मेरे को भक्ति करना पड़ेगा, बोले ये नहीं कर सकती, शादी तो आपसे मैं कर सकती हूँ, नारायण कृष्ण में तो फर्क नहीं, वो एक ही है आपसे मैं शादी, दूसरे गोप से कैसे शादी करूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं है, ये मेरे लिए संभव नहीं, भगवान बोले फिर तुम तो यहीं पर बैठ करके तपस्या करो, अभी भी लक्ष्मी महालक्ष्मी बैठ करके तपस्या कर रही हैं, अभी भी उनको रासों में वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाए, बोले वृंदावन धाम इतने दुर्लभ है, वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं, जहाँ पर ब्रह्मा भी नहीं घुस पाए, वो पत्थर जन्म होकर के बाहर खड़े हुए, शंकर कौन है, देवदेव महादेव सत्यम शिवम सुंदरम, वो भी प्रवेश नहीं कर पाए, जहाँ पर देव की प्रकट काम शंकर जी कर रहे हैं, उद्धव जैसे गुरुलता मना खाना चाहते हैं, इतने दुर्लभ से वृंदावन धाम कितना दुर्लभ, इसलिए कहते ये यहाँ पर महाप्रभु बोले देखो तुम्हारी जो लक्ष्मी है ना हमारे कृष्ण तो ग्वाला है लेकिन उनको पाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो गोपियाँ हैं ना
हमारी गोपियां इसे नहीं, वो कृष्ण के बगैर किसको नहीं चाहती हमारी गोपियां। इसलिए कृष्ण जब रास कर रहे थे, कृष्ण रास करते करते वहां से कृष्ण अंतर ध्यान हो चले गए और जाकर के गोपियां कृष्ण को ढूंढ रहे, श्याम सुंदर कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, गोपीनाथ कहाँ है, ढूंढ रहे थे गोपीनाथ जी को। ढूंढते ढूंढते इतने में कृष्ण चले आए और गोपियों को छकाने के लिए उन्होंने किया कि थोड़ी दूर गए और चार हाथ गद करके नारायण स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म रूप में लगे बैठे। इधर में गोपियां ढूंढते ढूंढते वहां पर गए, लेकिन वो चार ही हाथ को देखे तो ये चार ही हाथ वाले तो हमारे प्रभु नहीं, हमारा प्रभु तो गोपीनाथ है। गोपियों का नाम तो गोपीनाथ है ना, हमारे गोपीनाथ हमारे प्रभु, ये चतुर्भुज वाले नहीं। तब उन्होंने प्रणाम किया, बोले हमारी गोपीनाथ जी को देखे हो, वो तो खुद ही गोपीनाथ थे। वो चुपचाप गोपियों को छकाना चाहते, चुपचाप गोपियाँ चली गई। जब चली गई इतने में राधा रानी आई। देखिए राधा रानी की प्रेम ऐसे है ना, ऐसे राधा रानी की प्रेम है, राधा रानी को प्रेम को सामने टिकना बड़ा कठिन है। इसलिए हमारे प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, जो इनका जो पिताजी की भाई क्या कहते हैं, बोले बंसी करार निपति तस्मितम शिखंडम, मतलब अगर राधा रानी एक तिरछी नजर में अगर कृष्ण को देख लेना गोपीनाथ को, गोपीनाथ का क्या होता है, बोले मेरे मुकुट गिर जाती है, कृष्ण की बंसुरी गिर जाती है, हैं, और कृष्ण का कपड़ा कम खिसक जाते हैं पता नहीं चलता, कभी कभी कृष्ण ही कभी कभी बेहोश होकर गिर जाती है। बोले श्रीमती राधा रानी की ऐसे ऐसे राधा रानी की महिमा है। इतने में जब राधा रानी वहां पर आई, राधा रानी के शरीर में एक सुगंध है, इसलिए कमलिनी है, स्त्री में चार जाति होती है, एक कमलिनी, कमलिनी मतलब होता है राधा रानी जिनकी शरीर से कमल उसका खुशबू निकलती है, खुशबू निकलती है। फिर राधा रानी जब आई, राधा रानी की जो सुगंध थी जब निकली, उसको जो हवा बह, उनको जो शरीर में हवा लग कर जब बहती है ना, कृष्ण को शरीर में लग जाए तो कृष्ण का धन्यवाद धन पवन कृतर्थ मानी। नीचे गोपीनाथ अपना जीवन का धन्य समझते हैं, राधा रानी की शरीर का हवा अगर कृष्ण का शरीर लग जाए। और इतने में जब राधा रानी आई, कृष्ण जब गोपीनाथ जब राधा रानी को देखे ना, और अपने आप को उन्होंने ठीक नहीं कर पाए, जो उनका जो चार हाथ था ना, वो दो हाथ अपने आप अंदर में प्रवेश कर गया और कृष्ण वहां पर बंसुरी लेकर कृष्ण खड़े हो गए। बोले श्री गोपीनाथ की है, इसलिए वो स्थान का नाम पैठा। इसलिए महाप्रभु बोले देखो हमारी गोपियों को देखो, नारायण को तो देख लिए, लेकिन देखने पर भी नारायण के प्रति उनका कोई आसक्ति नहीं हुई। लेकिन तुम्हारी लक्ष्मी को देखो, अगर हमारी गोपीनाथ जी कथा सुनते ना लक्ष्मी, हमारे गोपीनाथ को दर्शन करती तो वो वैकुंठ नारायण को भी छोड़ देती है हमारे कृष्ण को पाने के लिए, है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। ऐसे राधा रानी की प्रेम, ऐसे गोपीनाथ की महिमा है। बोले इसके कद इसका कारण क्या है, कद इसमें कारण क्या की चीज को अच्छे तरह से समझ लो। कहते भगवान में जो नारायण में जो जो रस है, कहते भगवान की कहते सात रस बताया गया, कितना रस है, कहते सात है रस है, बारह रस है, कहते बारह रस में सात साधारण गौण रस और जो पांच मुख्य रस, पांच मुख्य रस और सात गौण और साधारण रस है। लेकिन जो मुख्य पांच रस है, पांच रस मुख्य है, ये पांच रसों से ही भगवान की भक्ति होता है, एक शांत, एक दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये पांच रसों से। कहते नारायण में कितना रस है, नारायण में तो बोला ढाई रस है, कितना रस है, इससे ज्यादा रस नहीं है। बोल ऐसे कैसे, इस चीज को समझो, जैसे नारायण को जो भक्ति करते हैं ना, पहला नंबर रस शांत रस, शांत रस मतलब होता है एकदम, हम कहते हैं व्यक्ति बड़े शांत श्रेष्ठ व्यक्ति है, ये लोग अपना तरफ से कोई कोशिश नहीं करते हैं, हैं? अपना तरफ से कोई भक्ति करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। कहते ब्रज में तो शांत रस होता है जैसे बंसुरी है, हैं? और जैसे वहाँ पेड़ पौधा जैसे गैया है, कृष्ण जैसे करवाते हो वैसे कराते हैं। इसलिए कहते हैं वैकुंठ में एक शांत रस है और एक दास्य रस, दास्य रस मतलब है जो भगवान को प्रभु माने और अपने आप को भगवान का दास समझे, हम दास और भगवान प्रभु, कहते दास्य रस। और कहते दो रस हो गया, एक हो गया कि दास्य रस,
सख्य रस है, लेकिन भगवान की कोई सखा है नहीं। भगवान जैसे कृष्ण का सखा है ब्रज में, नारायण का कोई सखा थोड़ी है, कोई नहीं। वैकुंठ में भगवान थोड़ी कोई यार दोस्त कोई नहीं है, लेकिन एक लक्ष्मी है जो वो भी दासी रस में, दास्य रस में लक्ष्मी जैसे उनकी अंकसायिनी उनकी पत्नी है, उनको शक्ति है, लेकिन उसके अंदर में ये दास्य रस है। इसलिए वहाँ पर बताए केवल वहाँ ढाई रस है, लेकिन ये वृंदावन में है परिपूर्ण रूप में बार रस है। कितना रस है? बार रस। इसीलिए कृष्ण को बताया गया ये पूर्ण ब्रह्म केवल ये गोपीनाथ गोविंद देव है, और कोई पूर्ण ब्रह्म नहीं है, केवल भगवान गोपीनाथ जो गोविंद देव ये परिपूर्ण, यही पूर्ण ब्रह्म है। इनके अंदर में सारे रस इनके अंदर विद्यमान है, इनके अंदर में शांत रस भी है, इनके अंदर में दास्य रस है परिपूर्ण रूप में, सभी का अंदर में दास भाव, और वहाँ पर सख्य रस है। ब्रज में देखो कृष्ण के ग्वाल बाल हैं, दाम वसुदाम श्रीदाम मधुमंगल स्को कृष्ण अर्जुन कृष्ण की सखा है। इसलिए ब्रज में कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानते, कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानते, कोई मानते ही हमारी दोस्त है। जैसे कृष्ण के सखा लोग कभी कृष्ण तुम मेरे किस चीज से बड़े श्रीदाम कहता है, तेरे बाप कितना गैया बोलो बोले 9 लाख, बोले मेरे पिताजी की 11 लाख, और तेरे साथ में जो मैं मल्ला युद्ध करता हूँ ना, कुश्ती लड़ता हूँ, तेरे को पछाड़ देता हूँ। इसलिए सखाओं को कोई फल मिल गया ना वो पहले खा लेते हैं, बोले कन्हैया फल बड़ा मीठो है, कृष्ण बोलते सारे अगले खा लो, झपट कर खा लिया सखा, उनका झूठा है उसको कृष्ण झूठा खा गए, बोले इतना मीठो फल तो अगले खा रहा था मेरे को नहीं दे रहा। कृष्ण भगवान झूठा खाते हैं, लेकिन वैकुंठ में कोई भगवान का झूठा भी खाता है? भगवान कोई अपना झूठा खिलाते हैं नहीं, क्यों? वहाँ पर सख्य रस है ही नहीं, वहाँ पर केवल दास्य रस है। इसलिए वह रस का परिपूर्ण विकास वहाँ नहीं है, ये केवल ब्रज में ही है। और वहाँ पर बात्सल्य रस है, जैसे माँ जसोदा की, माँ जसोदा कौन है? कृष्ण की ये माँ है। अगर कृष्ण कहीं मिट्टी खाए ना, सखाओं ने बोल दिया भैया जानते हो आज कहा बोले क्या, बोले कन्हैया तो मिट्टी खा रहा है, भैया तो सीधा डंडा ले लेगा, सीधा डंडा, और कहाँ पकड़ती? इधर कृष्ण का सीधा कान, गोविंद देव का कान पकड़े, बोले चिवरे घर में मिश्री मखनी की कमी, तुमने मिट्टी खाई? कृष्ण झूठ बोल दे, बोले भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले सखा लोग बोलते हैं, बोले भैया तो बड़ी भोली वाली की बात में जल्दी आ हैं, जानते हो ये क्या करते हैं? अपना घर से लड्डू मिठाई मालपुआ सब चोरी चोरी करके लाते हैं, और भैया तेरे को पता मैं चोरी का चीज खाता है? भैया बोले सब पता, तू क्या करता नहीं करता, क्योंकि हर माता हमको अपना बच्चे का कर्तव्य सब माता जानती, बेटा क्या करता नहीं करता है सब पता है। बोले मेरे सब पता, बोले ये चोरी करके लाते हैं और मेरे को तो बोले खा, मैं खाया नहीं, समझ गए खाया नहीं, मतलब घर में चुगली करते हैं, घर में बोल देगा, अरे मैं चुगली करने से पहले तू खुद चुगली कर, और तू चलती इनकी बात सुनती हो मेरी बात मानते हैं। तो कृष्ण भैया के डर से झूठ, जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, अगर बच्चा कोई चोरी चोरी चीज खा ले, भैया अगर बोले बच्चा क्या करते, बोले भैया मैंने नहीं खाया। इसलिए यहाँ पर भी भगवान कृष्ण भी हैं डर तुम्हारे झूठ बोल देते हैं, पूरा के पूरा मक्खन खा लिया, भैया बोले तेने मक्खन खाई, कृष्ण क्या कहते हैं? भैया मरी मैं नहीं मक्खन खाया। इसलिए यहाँ पर उखल में बांध देती है, कान पकड़ के उठाती है बैठाती है, लेकिन वैकुंठ में कोई भगवान की माँ, हमको कोई माँ है, हमारा कोई माँ ही नहीं होती है। लेकिन साधारण रूप में देखो, साधारण लोग का धारणा किया नारायण श्रेष्ठ क्यों सत्य युग में आए, अरे कृष्ण तो द्वापर युग में, राम तो तृतीय युग में आए, अरे नारायण तो अजन्मा है, अजन्मा सत्य युग से पहले से ही है। कृष्ण तो साधारण लोग का धारणा ये है नारायण सर्वश्रेष्ठ, और जो कृष्ण जो और राम है ना, ये सब इनके अवतार है, और नारायण अवतार सर्वश्रेष्ठ बोले नहीं, ऐसे नहीं। इसलिए यही कृष्ण की अंदर की विशेषता है, ये पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी वो भक्तों का प्रेम में जो वशीभूत हो गए ना, यही इनकी विशेषता है। इसलिए ब्रह्मा क्या कहते हैं? गोविंदं मादि पुरुषं तमाम अजामि, ये गोविंद है सबका कारण का कारण जो है ये भगवान श्री गोविंद देव। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, बोले श्री गोपीनाथ जीव की जय। इसलिए कहते हैं इनके अंदर में पूर्ण रूप में क्या कौन सा रस है इनके अंदर में? कहते बात्सल्य रस, बोले श्रृंगार रस, जैसे गोपियों ने भजन करती गोपियां, वहां पर लक्ष्मी हर समय देखना नारायण का चरण को गोद में लेकर दिन भर बैठी,
तीन भर ये कहीं भाग नहीं जाए हैं, तीन भर लक्ष्मी गोद में, तू दासी है ना। लेकिन ब्रज में देखो, अगर कृष्णा मेरे एक बात बोले ना, गोपियाँ दो बार सुना देती हैं। अगर गोपियाँ अगर दो बोले फिर कृष्णा तीन, कृष्णा अगर चार बोले ना, दस बार गोपियाँ सुना देती हैं। और ललिता तो हंस में डांट लगाती रहती है कृष्णा को, बोले खबरदार चुप हो जा, हमें राधा रानी को ज़्यादा कुछ बात कहा करो, क्योंकि राधा रानी की पक्के लेकर बोलती हैं हैं, इसलिए हर समय। इसलिए वहाँ पर जो श्रृंगार रस है ना, हाँ, जो वहाँ पर जो प्रिया प्रियतम का भाव पूर्ण रूप में, लेकिन वैकुंठ में जो नारायण बोलेंगे लक्ष्मी वही सुन लेगी, उसको फिर कोई बात नहीं बोलेगी वहाँ पर हैं। क्योंकि पति पत्नी आप लोग संसार में शादी किए हो, कौन कौन शादी किया सबके सब शादी आप देख लेना, मतलब पति पत्नी में जो इतना जो नज़दीक होता है, देखा अगर पति कोई बात बोलते ना, बोले कि पानी एक गिलास दे दो, पत्नी क्या उठा कर नहीं पी सकती, उठा कर पियो। अगर पति कोई बात बोलता ना, पति देखना दो 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 बात सुना देती कि नहीं, तीन चार बात सुना देती कि नहीं, घर में सुना देते हो कि नहीं, सुना देती है ना। क्यों कारण क्या बोले, कारण है मतलब इतने नज़दीक, इतना प्रेम है पति पत्नी में, इतने प्रेम है। हाँ, उसी तरह ब्रज में अगर कृष्ण एक बात बोल राधा ने दो तीन बात सुना देती हैं, गोपियाँ सुना देते। क्यों उनके अंदर में इतने घनिष्ठता, इतने प्रेम उनके अंदर में विद्यमान। लेकिन ये जगत में कभी कभी प्रेम है ना, कभी कभी झगड़ा रूप में परिणत हो जाता है। ये जगत का कभी कभी जो प्रेम है ना, संसार की उसका परछाई है। लेकिन इसी जगत में कभी कभी जो जैसे पत्नी कभी मान करती है, पत्नी पति क्या करता है, राधा रानी मान करते तो कृष्ण मनाते हैं, उनको मनाते हैं। किसी जगत में जैसे पत्नी मान कर ले, पति मनाता कि नहीं, अरे कोई बात नहीं, हो गया छोड़ दिया। कभी कभी तो तुम्हारे ठीक है, मैं हार गया, मेरा गलती होगी, तू माफ, तू जो कि कर रहे वो सही है, बोल देती है कि नहीं। उसी तरह कारण क्या, इतने घनिष्ठता है। कहते ब्रज में भी राधा रानी जो मान करती, कृष्ण भी उनको मनाते हैं, लेकिन वहाँ के मान और यहाँ के मान में फर्क है। वहाँ पर जो मान है वो शुद्ध प्रेम है, केवल कृष्ण सेवा के लिए ही राधा रानी हर समय तत्पर रहती, कृष्ण उपदेश सुख प्रदान करती। लेकिन इसी जगत में मान कभी क्रोध से परिणत हो जाता है, मान कभी स्वार्थ में रहता है मान में। लेकिन ब्रज में जो मान है ना, उसमें राधा रानी का कोई स्वार्थ नहीं। राधा रानी क्यों मान करती है, कृष्ण अगर और किसी गोपी को पास में चले जाए इसलिए राधा रानी मान करती। बोले क्यों, बोले ईर्ष्या करके, बोले नहीं, राधा रानी को पता है ये गोविंद देव को मैं जितने सुख दे सकती हूँ, जितने मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, और इतना कोई सेवा नहीं कर सकते। अगर ये गोविंद गोपीनाथ अगर मेरे पास में, राधा रानी की भावना अगर मेरे पास में अगर गोपीनाथ जी रहते, मैं पूर्ण रूप में उनको मैं सेवा कर सकती। लेकिन आज गोपीनाथ को हमने पूर्ण रूप में सुख नहीं दे सके, आनंद नहीं दे सका, इसलिए राधा रानी मान लेती। उनके मान में कोई खोट नहीं, उसमें कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, केवल उनकी सेवा की भावना से। इसलिए जो ब्रज में जो रस है ना, ये परिपूर्ण रूप में ये सारे रस विद्यमान है। लेकिन वैकुंठ में ये रस नहीं है, वैकुंठ में ये सब चीज नहीं। वहाँ पर केवल गौरव भाव और वहाँ पर पूज्य भाव, केवल नारायण प्रभु और सबके सब घर में उनकी दास है, सबके सब वहाँ पर दास। इसलिए दास होने का नाते वहाँ पर क्या होता है, जो प्रेम प्रकाश नहीं होता है। जैसे समझो एक जज है, अच्छी तरह समझो एक जज है, जब वो कोर्ट में बैठता है ना, देखना सब उसको सावधान करते हैं, कोर्ट में बैठी करके इसको मृत्यु अर्थ दे देता है, इसको फांसी का अर्थ देता है, इसको आजीवन कारावास दे देता है। इसलिए सब वहाँ डरे हुए रहते हैं। देखना वही जज मानो उसको ड्यूटी सवेरे 10 से लेकर के 4 तक उसका ड्यूटी, अगर 4 से 5 बज गया ना, उसका मन छप्पड़ छप्पड़ करने लग जाता है, कब मैं घर में जाऊँ, कब बीवी से मिलूँ, कब बच्चे से मिलूँ, कब माँ से मिलूँ। अगर और एक घंटा ज़्यादा हो जाए ना, छटपट लगता है फिर, कब छुट्टी मिले। लेकिन वही जज जब घर में आता है, घर में आते ही तो माँ की पत्नी की डांट पड़ती है, लिखना क्यों डर करती है, बच्चे को पढ़ाई कौन पढ़ाएगा है, अभी घर में ये नहीं वो नहीं। घर में आते माँ भी डांट लगाती, पत्नी की डांट, और बच्चे तो जाकर पिताजी गोद में चढ़ जाता है, उसको पकेट में हाथ घुसा करके पिताजी मेरे लिए क्या लाए हो, उनको बाल को नोचने लग जाते हैं, बच्चे करता कि नहीं आप बताओ। घर में उसको कोई भी आदत नहीं देता, पत्नी की गाली सुनता है, पिता माता की गाली, बच्चे का भी प्रेम, आप बताओ उसको घर में अच्छा लगता है ना कोर्ट में अच्छा लगता है,
कहाँ अच्छा लगता है? घर में अच्छा लगता है। पत्नी की गाली भी उसको बड़ी प्यारी लगती है, क्यों? वो प्रेम की गाली है, वो प्रेम की गाली है। माँ की डांट भी अच्छी लगती है, बच्चे को लाड़ प्यार भी अच्छी लगती है, लेकिन कोर्ट में वही व्यक्ति बैठता है लेकिन सालूट उसको सम्मान देते, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता। कहाँ अच्छा लगता है? घर में। कारण क्या? प्रेम, केवल प्रेम। घर में जो प्रेम, वहाँ पर वो प्रेम नहीं। उसी तरह जो नारायण है ना, जो ऑफिस में बैठते हैं कोर्ट में, वो नारायण है, लेकिन वो आकर जब घर में चले जाते हैं वो कृष्ण है। जहाँ पर अपन मैया यशोदा है, उनका ग्वाल बाल है, राधा रानी है, वहाँ पर सखियाँ, ये क्या है कि अपना घर ऑफिस क्या है, तब ये नारायण रूप में जो बैठते हैं वहाँ पर सबके सब सम्मान देते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं कोई सम्मान नहीं देते, लेकिन यहाँ पर प्रेम पर प्रीति है। हाँ, इसलिए भगवान प्रेम की भूखे हैं। जब उन्होंने इस बात को सुनाए महाप्रभु ने, और बोले महाप्रभु ने बोले देखो कृष्ण को अंदर में विशेष करके चार गुण हैं, अच्छे तरह समझ लो। जो ये चार गुण और किसी को अंदर में नहीं, हाँ ये चीज़ को दिमाग लगा सुनो। कहते जगत में क्यों कृष्ण जो गोविंद गोपीनाथ क्यों ये सर्वश्रेष्ठ है? कारण क्या? बोले जितने जीव है संसार में, कहते हर जीव के अंदर में 50 गुण है। कितना गुण है? 50 गुण है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन यही 50 गुण कहते स्वर्ग में जो देवता है ना, यही 50 गुण ये देवता के अंदर में बहुत ज़्यादा रूप में, लेकिन ये जीव के अंदर में बहुत कम रूप में, लेकिन देवता के अंदर में ज़्यादा रूप में है 50 गुण। फिर और विशेष करके जो 5 गुण हैं ये जीव में भी नहीं और ये किसी देवता में भी नहीं, केवल और 2 व्यक्ति के अंदर भी 2 हों। कहते कौन? बोले ब्रह्मा और शंकर। ब्रह्मा और शंकर के अंदर में और 5 गुण हैं जो कि किसी जीव में भी नहीं, किसी देवता में नहीं है। अब जैव धर्म पढ़ लेना क्या क्या गुण है। फिर और जो विशेष 5 गुण हैं जो जीव में भी नहीं, देवता में भी नहीं, ब्रह्मा शंकर में नहीं, और जो 5 विशेष गुण जिसको अंदर में भगवान का कितना बता, मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह बामन राम बलराम बुद्ध कल्कि नारायण, इनके अंदर में और 5 गुण कितना हो गया? 60 हो गया है, 60 गुण किसको अंदर में? भगवत अवतार अंदर में। तो और विशेष करके जो 4 गुण है ना, ये और किसी को अंदर में नहीं, ये गोविंद कर, ये गोपीनाथ मदन मोहन में ही ये 4 गुण और किसी को अंदर में भी नहीं, ब्रह्मा शंकर कोई अवतार बंदर में भी नहीं है। कभी 4 गुण क्या क्या है बोलो, कौन क्या क्या 4 गुण है बोलो। इसलिए कहते देखो ये चीज अच्छे तरह से याद कर लेना, क्यों? ये गोविंद देव सर्वश्रेष्ठ है, इनके बराबर कोई नहीं है। कारण किया? बोले ये 4 गुण क्या है? बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वाली। बोले ये गोविंद देव ने जो लीला की, गोपीनाथ ने, ऐसी लीला किसने बताओ? कौन भगवान रास रचाए? कोई भगवान रास रचाए? केवल ये गोविंद देव रास रचाए। मतलब भगवान होकर के किसने कोई कोई सखाओं का कोई झूठन खाया है? केवल ये गोविंद देव खाया। भगवान होकर के कोई चोरी किया है? कोई भगवान चोरी किया, लेकिन ये गोपियों घर घर में चोरी करते हैं। भगवान होकर के हैं, भगवान होकर के कोई झूठ बोले हैं? कल कृष्ण एक झूठ बोले भैया मेरी मैं नहीं मांगना है, क्यों? भक्तों का प्रेम में बसी उद हो गए। इसलिए कहते हैं जो गोपीनाथ पहला गुण क्या है, इनका लीला माधुर्य है। दूसरा गुण क्या है? कहते इनकी प्रेम माधुर्य। बताओ कृष्ण के सिवाय और किसको हाथ में बंसुरी है? बंसुरी और कोई धारण करते हैं क्या? कोई नहीं धारण करते हैं। इसलिए भागवत में पूरा वेणु गीत, पूरा एक गीत है कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड कैसे, हाँ त्रिजगत मानस कर से मुरली कलपुजी तो, जिन्हें बंसी ध्वनि से विश्व ब्रह्मांड को मुग्ध कर देते थे। ब्रह्मा भी जिनकी बंसी ध्वनि सुन करके शंकर की कैलाश छोड़कर गोपीश्वर बन कर आए शंकर जी हैं, केवल इनकी बंसी माधुर्य। तीसरा माधुर्य कौन है बोलो? कहते इनकी एक है रूप माधुर्य। कहते गोविंद देव जितने सुंदर है ना, गोपीनाथ मदन मोहन इतना सुंदर जगत में कोई नहीं। कभी जो गोपियाँ इनको ताना मारती हैं, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कटे जाती कर लो, अच्छा हुआ तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बना कर लाला बना दिया। अगर तू लाली होता है ना, सारा दुनिया में तेरे को पाने के लिए ना
युद्ध करते करते सब मर जाते, इतने तो सुंदर हो हैं, कितने सुंदर। बोले भूषणा भूषणांग में भूषण के भी परम भूषण कौन, गोविंद देव है इतने सुंदर, जिनको रूप देख करके लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ देती है, जिनको रूप देख करके नारायण चोरी करते हैं, जिनका रूप देख कर कृष्ण अपना परछाई को देख करके स्वयं मुग्ध हो जाते हैं, कौन है इतने सुंदर। अगर मैं राधा रानी बन जाता ना, राधा रानी कृष्ण का आलिंगन करती है, मैं भी उनको मैं आलिंगन करता, कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने कृष्ण सुंदर। कहते उनका जो चौथा माधुर्य कौन रह गया, कहते लिखा प्रेम माधुर्य, प्रेम माधुर्य में उदाहरण दिया है कृष्ण कितना दिन तक रास किया, मतलब ब्रह्मा का एक दिन, एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग, 1000 तक चतुर्युग कितना होता है, बोलो बोलो कितना, 1000 चतुर्युग कितना होता है, कहते का सुन लो, बोले जैसे कि जो कलयुग है ना, इसका परमायु 4 लाख बकरी का जैसा, कलयुग द्वापर युग इसका डबल कर दो कितना हो गया 8,64,000, तृतीया युग को कलयुग को 3 गुना कर दो, सत्यजीव को कलयुग को 4 गुना कर दो, उसको मिला दो, इसको एक महाजीव कहते हैं। ऐसे 71 महाजीव में एक मन्वंतर होता है, और ऐसे 14 मनु जो बदल जाता है ना, ये ब्रह्मा का एक दिन, मतलब 1000 इतना दिन तक रास किया, लेकिन गोपियों को क्या लगा, अभी आए और खत्म हो गए। तो इतने आनंद कृष्ण की लीला में इतना आनंद है ना, वो पता ही नहीं चलता है। जब कृष्ण जब गोचारण करते हुए जब वापस आते हैं, गोपियाँ जब कृष्ण रूप को देखती हैं, पलक झपकते ही उनको लगता है ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता है, कृष्ण इतने सुंदर, इतने सुंदर। और उनको केवल 2 आँख दिया, करोड़ों करोड़ों आँख नहीं दिया, फिर हर समय ये पलक झपकती हैं, हैं इतना समय भी बोले त्रुटि जुगा यते त्वाम अपसता, मतलब जैसे करोड़ों करोड़ों युग जैसे बीत जाता है, ये एक पलक झपकते ही उनको ऐसे लगता है। कहती जो 4 माधुर्य के कृष्ण के अंदर में, इसलिए लक्ष्मी भी क्या करती हैं, वैकुंठ छोड़ करके कृष्ण को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं, कृष्ण के अंदर में ये सारे माधुर्य विद्यमान हैं। इसलिए महाप्रभु ऐसे कथा सुनाए ना, वो जितने उनका परिवार को भक्त बना दिया, सब उनको कृष्ण भक्ति मिला है, पहले कोई नारायण भक्ति करते थे, इधर उधर भक्ति, सब के सब गोविंद देव का भक्ति में महाप्रभु ने सबको लगा दिया। बोले श्री गोविंद भगवान की, बोले श्री मदन मोहन जीव की। इसलिए महाप्रभु 4 महीना रह करके जब वापस आए, गोपाल भट्ट आना चाहता था, बोले नहीं अभी तुम घर में रहो, क्योंकि अभी तुम्हारी माता इतना बहे, अभी घर में रहो, जब पिता माता चले जाएंगे तुम वापस चले आना। इसका मतलब क्या, महाप्रभु कहते थे नहीं अभी तो पिता माता की सेवा करो, बोले नहीं, कारण है उन्होंने तो श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय में जो वैद्य भक्ति बड़े ठोस रूप में जाकर करते हैं। महाप्रभु सोच रहे थे इनको द्वारा क्या, जो सत्क्रिया सार दीपिका और जो हरि भक्ति विलास जो ग्रंथ है, जो नीति नियम से कैसे ठाकुर को सेवा पूजा करनी चाहिए, कहते इनमें वैद्य भक्ति इसमें बहुत अच्छी तरह से संप्रदाय, अगर ये चीज को सीखेगा ना भविष्य में ये सब ग्रंथों को प्रकाश करेगा। इसलिए महाप्रभु बहाना बनाए अभी तुम रहो 11 साल उम्र के, बाद में चला आना। पर जब बाद में आए तो उन्होंने गंडोकी नदी होते हुए आए, उनको 12 सालक नाम दिया था। जब सिर्फ वृंदावन में आए, अभी झूला आएगा ना, अभी श्रावण महीना आएगा, आप लोग वृंदावन में सबसे सुबाना, वहाँ पर बहुत अच्छे तरह से 5 दिन हमारे उत्सव होता है। रूप गोस्वामी का तिरुभाव, जिसने ये गोविंद देव का प्रकाशित किया, इनकी विषय पर 3 दिन तक बड़े बड़े विद्वान आकर के इतने सुंदर हरि कथा होती है। कितना तारीख हुई, 18 तारीख से एकादशी, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा राखी पूर्णिमा। इसलिए अगर हो सके तो कोशिश करना हम लोग आने के लिए, 2-3 दिन के लिए अगर आ सके तो कोशिश करना, ठीक है। कौन कौन आएगा, हाथ उठाओगे, हाथ नहीं, अगर हाथ उठाओगे ना, भगवान कहते ना मेरे तरफ में 1 कदम बढ़ाओ 10 कदम बढ़ाऊंगा, अगर तुम्हें 1 कदम नहीं बढ़ाओगे तो 10 कदम कैसे ठाकुर बढ़ाएंगे। अगर हाथ उठाएंगे ना बस ठाकुर आधा वृंदावन में आना हो गया तुम्हारे, आधा तो फल गया तुम्हें खुल गया और आधा बाकी रह गया, दादी ने नहीं उठाए। कहते वहाँ पर झूला का समय कोई सेठ ने मंदिर मंदिर में ठाकुर का पोशाक इनको भी दिया, लेकिन इनके पास में कौन सालग्राम है, ये सोच रहे हैं अगर मेरे पास में भी ठाकुर जी होते तो हम भी ठाकुर जी को
झुलाते झुलाते भावना है। इतने में ठाकुर जी उनकी भावना समझ करके रात को तो सही नहीं दिया, फिर जब सवेरे आकर के देखा ना, ये ठाकुर जी जो सालक राम एकदम ठाकुर बन गए, त्रिभंग ललिता रूप में सुंदर मीठी मीठी बंसरी बजा रहे, श्री राधा रमण रूप में प्रकट हो गए। बोले श्री राधा रमण लाल की जय। ये राधा रमण इतने सुंदर है ना, जैसे कृष्ण बनना, जो गोविंद गोपीनाथ तीनों को दर्शन कर रहे ना, कहते केवल कोई राधा रमण को देख लिया तो तीनों ठाकुर दर्शन करने का फल मिल जाए। इतने सुंदर ठाकुर, उनको दो दांत ले पड़े, तीन जगह से जैसे टेढ़े बताए ना, वो ठाकुर एकदम तीन जगह से टेढ़े, उनको बक्ष स्थल जैसे गोविंद देव, गोविंद देव का मुखार भी पाए, इनको देखने से कृष्ण का मुखमंगल दर्शन करता, जो गोपीनाथ को दर्शन करने से बक्ष स्थल दर्शन करने का फल मिलता, और ये मदन मोहन को देखने से चरण। लेकिन ये जो राधा रमण ठाकुर जी, अगर एक ठाकुर को दर्शन कर दोगे ना, तो ये तीनों ठाकुर दर्शन करने का फल मिलेगा, ऐसे ये ठाकुर। इसलिए जब औरंगजेब ने आक्रमण किया, मान सिंह ने, ये सब ठाकुर को ले आए, लेकिन केवल राधा रमण नहीं आए, वही रह गए। बोले क्यों? बोले कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ करके एकदम भी बाहर नहीं जाते, इसलिए ये जो राधा रमण, इसलिए इनका नाम राधा रमण, मतलब एक मूर्ति में ही राधा को साथ में वो विहार कर रहे हैं, एक साथ में राधा जी को साथ में वो विहार करते। ठाकुर जी प्रकट हुए, सारा दुनिया में खबर फैल गया, सारे वैष्णव लोग आए और ठाकुर कर देख करके इनका नाम राधा रमण रख दिया, इनका नाम पर श्री राधा रमण लाल की जय। इसलिए इनकी तो बहुत कथा, बहुत समय हो गया है, आप लोगों को गुरुकुल को जाना पड़ेगा, इसलिए हम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं, जो षट संधर्म का कार्य का यही बनाने वाले हरि भक्ति विलास, इनका नाम पर सनातन गोस्वामी रचना की सत्य क्या सार, का यज्ञ कैसे होगा, संस्कार कैसे होगा, कैसे हम लोग ब्रह्मचार्य में कैसे उनको संस्कार, सब कुछ उन्होंने संस्कार दीपिका में उन्होंने जो 10 संस्कार है, हैं वो 10 संस्कार को अच्छे तरह से उन्होंने वर्णना की, इसलिए हम इनकी चरण में ऋणी हैं। आज का दिन उन्होंने इसी जगत को छोड़ करके प्रभु की नित्य सेवा में अनंग मंजरी और जो तुलसी मंजर रूप में उन्होंने अपना नित्य सेवा में प्रभु चले गए, इसलिए आज का दिन बहुत अच्छी दिन है। आज हम सबको वो कृपा करें, हम भी उनके अनुसरण करते हुए हम भी महाप्रभु की धारा में भगवान की भक्ति करें। वंशाकल कृपा सिंधु बोला हरे कृष्ण प्रसाद है ना, आप लोग जो लाइक बैठ गए तो प्रसाद में बैठो। बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरी